ठीक है बेटा, अब हम लोग सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये जो लेक्चर है इसके नोट्स मैं सेंड कर दूंगा आपको, या चाहो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। उस नोट्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप वहां से इसे देख भी लेना। ओके, तो लेक्चर देखने से पहले नोट्स डाउनलोड कर लेना। ओके, चल क्वेश्चन है बेटा, If x is equal to 2 and x is equal to 3 are the zeros of a quadratic polynomial है, जिसमें x is equal to 2 और x is equal to 3 उसके क्या है zeros हैं, और वो polynomial देके रहता है आपको x square plus ax plus b, है ना, जिसके लिए zeros हैं। अब हमें पता करना है a और b की values, है ना, then the values of a and b respectively are। तो given में देखो क्या है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, गिवन में है बेटा जीरोस, इसके जीरोस क्या है, गिवन है एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, ये इसके जीरोस हैं। फिर आपका पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है। ओके बेटा, अब इसमें देखिए क्या रखा है, इतना देखे रखा है कि ये दोनों इसके जीरो हैं, तो हमें a और b की वैल्यू पता करना है। ओके, सिंपल है। अब देखो इसमें ऑप्शंस भी देके रखे हैं, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 6, मतलब a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 6। b वाला ऑप्शन है आपका -5, -6, c वाला ऑप्शन है -5, 6, और आपका बस नहीं ऑप्शन। क्या करते हैं, इतना गिवन है हमको, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले बेटा हमें क्या दिया है कि ये दोनों क्या है बेटा, इसके जीरोस हैं। तो ये दोनों जब इसके जीरोस हैं बेटा, तो मैं अगर पी ऑफ क्या निकालूं, पी ऑफ 2 निकालूं, ठीक है बेटा, तो पी ऑफ 2 निकालूं, तो p ऑफ 2 मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस a, और यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा 2 प्लस b। अब बेटा हमें क्या पता है कि ये तो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, मतलब ये पूरा जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, अब मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 2 है, ये हो जाएगा 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 0, है ना, इसको मैंने एक नाम दे दिया 1। ओके, अब क्या निकालते हैं हम लोग बेटा, p ऑफ 3, मतलब यहाँ पे हमने क्या निकाला था, x इज इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। ओके, सो p ऑफ मैं 3 रख देता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस a x की जगह पे प्लस b, इसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल होगा, यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस b इक्वल हो जाएगा 0 के। फाइनली इसको मैं प्रॉपर लिख दूंगा, ठीक है बेटा, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 है प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका नाम ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब हम लोग के पास देखो, एक को हमें ये मिला 1 और एक ये 2 मिला। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे बेटा, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया 2a plus b, और ये जो 4 है बेटा इसको उधर भेज दिया, तो माइनस का 4
सिमिलरली यहाँ पे बी ए प्लस बी और इस लाइन को उधर भी एक्सटेंड कर देगा माइनस। अब बेटा अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने क्या किया सब्ट्रैक्टिंग बोथ, इन दोनों को क्या किया एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का। ओके तो देखो टू ए वैसे माइनस का जाए थ्री है तो बड़ा कौन थ्री है, थ्री ए माइनस का है मतलब माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे ये कैसा हो गया ये प्लस का और ये माइनस का, मुझे क्या मिला फाइव। ठीक है तो बेटा माइनस ए की वैल्यू कितनी है फाइव, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस का फाइव, ए की वैल्यू अभी माइनस का फाइव। अब बी की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो ये वन या टू में से किसी एक में भी ए की वैल्यू रखो और बी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर हम रख देते हैं फोर्टीन इधर आएगा तो माइनस पर 12 हो जाएगा, फिर ये 81 भी इधर
97 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 8 माइनस 72 इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके बेटा, अब मुझे क्या करना है, इन सबको माइनस करना है। पहले माइनस माइनस वाले नंबर को ऐड कर दूं, देखो 3 और 2 2 सॉरी 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड यहाँ पे कितना जाएगा 9, ये माइनस। अब इस दोनों को ऐड करना है मुझे, प्लस 7 प्लस 2 तो जाएगा 9 और यहाँ पे 7 प्लस 2। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, 93 में से कितने गए, 99, और ये बड़ा है ठीक है, इसका साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, 3k। 3k किसके इक्वल आ गया बेटा, 3k आ गया इक्वल टू 6। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, सिंपल है, 3 को उधर भेजो तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 6 को डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 3 से, कितना मिलेगा 2। मतलब फाइनली आपको k की वैल्यू क्या मिली बेटा, समझ में आया। कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ओके बेटा। अगला टॉपिक है रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल, हमने देखा था अभी जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल बोल रहे हैं, रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल बोल रहे हैं, एक ही बात है। इस टॉपिक को हम लोग फर्दर आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस मुझे आपको छोटे से कुछ चीजें बताना है, वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है बेटा। तो लेट सपोज कि एक नंबर है ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा ठीक है बेटा। ये जो सिंबल है ना, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा, ए एल पी एच ए ठीक है, अल्फा इसका नाम है ओके। तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्या है बेटा, इसका रूट है ना, मतलब अल्फा में नंबर होगा जिसको जब मैंने p ऑफ x है, तो जब मैंने क्या किया, p ऑफ अल्फा निकाला, तो मुझे क्या मिल गई, इसकी वैल्यू 0 मिल गई। सिंपल है, इतनी बात तो आपको क्लियर ही होगी, क्योंकि रूट ऑफ टू पॉलीनोमियल है, तो ऑफ कोर्स ये क्या रिटर्न करेगा बेटा, 0 रिटर्न करेगा। समझ में आया, ये बात क्लियर होगी। तो एक पॉइंट तो बेटा ये है जो आपको याद रखना है ना, कि p ऑफ अल्फा क्या है, इसका रूट है, मतलब x की जगह पर आप अल्फा रखोगे तो आपको ये पॉलीनोमियल क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। दूसरा बेटा, x माइनस अल्फा क्या होगा बेटा, इसका एक फैक्टर होगा, क्या होगा, x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, फैक्टर मतलब जो गिवन पॉलीनोमियल होगा जब मैं इसको से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ओके। और लास्ट बात जो है, ये जो है मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो p ऑफ x विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल्स टू अल्फा, मतलब x की वैल्यू जो आप वहां पे x की वैल्यू को अल्फा रखोगे तो वो x एक्सिस को वहां पे कट करेगा। अभी ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आपको कोई ज्यादा मतलब लोड नहीं लेना है, आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता दूंगा ठीक है, आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है। चलो अब हम लोग को बस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बेटा, क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन है ओके, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, है ना, पॉलीनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ठीक है बेटा। गिवन है आपको एक पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये एक पॉलीनोमियल आपको गिवन है, आपको क्या बताना है, इसके रूट्स बताना है ठीक है। तो बेटा इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये जो एक पॉलीनोमियल है इसके कितने रूट्स होंगे, बता सकते हो आप, बता सकते हो, बता देता हूँ इसके कितने रूट्स होंगे बेटा, इसके 2 रूट्स होंगे, मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। मैंने कैसे बताया, सिंपली मैंने इस पॉलीनोमियल की क्या देखी बेटा, डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द पॉलीनोमियल। इसमें कौन सा वेरिएबल गिवन है बेटा, एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या जा रही है, 2, यहाँ पे कितनी 1, यहाँ पे कितनी है
जीरो, तो हाईएस्ट पावर कितनी है टू, उसकी डिग्री क्या हो गई टू, तो उसके रूट्स कितने होंगे टू रूट्स। ओके बेटा समझ में आ गया। तो इसके हमें टू रूट्स निकालने, तो टू रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसको फैक्टराइज करना होगा, इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था एक्स माइनस अल्फा क्या होता है, इसका एक फैक्टर होता है। तो अगर एक्स माइनस अल्फा को मैं जीरो के इक्वल कर दूँ तो ये अल्फा उधर जाएगा, तो देखो ये एक्स की वैल्यू आ गई, समझ में आया। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी देखो इसके दो फैक्टर आएंगे, उन दोनों फैक्टर को हम लोग जीरो के इक्वेट कर देंगे वन बाय वन, तो मेरे को एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएगी, जिससे ये पॉलीनोमियल क्या होगा जीरो रिटर्न करेगा। तो आप इसके रूट सिंपल है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गिवन पॉलीनोमियल लिख लिया मैंने, इसकी डिग्री मैंने देख ली टू है। अब रूल क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिखा होता है बेटा इसका कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हो तो कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा वन। तो मैंने क्या किया इसका और इसका प्रोडक्ट किया, ठीक है बेटा। तो वन इंटू माइनस थ्री कितना मिला मुझे माइनस थ्री बेटा। अब ये मिडिल टर्म है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वो वाली मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और बीच वाला टर्म क्या है बेटा माइनस टू, ऐसे लिख दो, ये किसी तरीका है आप भी देख लेना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो वन था वन इंटू माइनस थ्री कितना मुझे मिला माइनस थ्री यहाँ पे लिख दिया, और बीच में वाले टर्म में कौन से नंबर था माइनस टू यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये जो माइनस फोर लिखा है इसको कुछ ऐसे ब्रेक करना है दो पार्ट में, जब मैं उसको जोड़ू तो क्या बन जाए माइनस फोर बन जाए, लेकिन जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाए माइनस थ्री बन जाए। तो ऐसा कोई नंबर आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे लिख लिया मैंने एक नंबर माइनस थ्री और एक लिख लिया मैंने माइनस वन। तो बताओ माइनस थ्री को मैं जोड़ूंगा माइनस वन तो क्या मुझे माइनस फोर मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। अब जब मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे ये माइनस थ्री मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या मुझे और कोई फैक्टर सोचना है, ठीक है। चलो और कोई फैक्टर सोचो जल्दी से, एक सेकंड, ये सर ना ये प्लस का नंबर, ठीक है अभी हो जाएगा ये प्लस का सर, ठीक है। चलो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं प्लस का थ्री मिल रहा है, दोनों को जोड़ो समझ में आया। तो अब सिंपली मुझे करना क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स की जगह ये लिखते हैं, एक जगह लिखो माइनस का थ्री एक्स और एक जगह माइनस का वन एक्स मतलब माइनस का एक्स और प्लस का थ्री। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्या इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे बेटा, एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री। इन दोनों से हमने क्या कॉमन लिया माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स यहाँ पे माइनस। अब देखो दोनों में ये पार्ट कॉमन आ रहा है, दोनों से कॉमन ले लेंगे x माइनस थ्री और यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस वन। बेटा देखो दो मेरे को फैक्टर मिल गए, देखो दोनों फैक्टर मिल गए। अब मैं क्या करूंगा x की वैल्यूज निकालना है जीरोज निकालना है, तो यहाँ पे क्या होंगे ये दोनों क्या होंगे जीरो के इक्वल होंगे। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे x माइनस थ्री इक्वल होगा जीरो के, और या तो x माइनस वन इक्वल होगा जीरो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बेटा थ्री, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है सिंपल था बेटा, समझ में आ गया। तो एक जो इसका रूट था एक को तो मैंने अल्फा नाम दिया था, चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, अदरवाइज नेमिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग नेमिंग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप चाहो तो इसे ऐसा नाम दे दो एक्स इक्वल टू कितना आया थ्री, तो एक को नाम दे दो अल्फा, है ना, मतलब एक रूट को तो हमने अल्फा नाम दे दिया और एक्स इक्वल टू वन जो आया था उसको नाम दे दो बेटा बीटा, समझ में आया सिंपल था बेटा। ओके चलो अब एक और छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लें, तो ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके okay?
छोटा सा टॉपिक है, मुझे आप क्या बताना है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, किसी भी पॉलीनोमियल के कितने रूट्स होंगे कैसे आप बता सकते हो, इजी है, मैंने जस्ट आपको इस क्वेश्चन में हिंट कर दिया था, बस हम लोग एक टेबल को हमने देख लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स होंगे, और यहाँ पर उसका नेम। चलो अगर जो भी गिवन पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री 1 होती है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 1, और जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 हो वो क्या क्या कहलाता है बेटा, लीनियर पॉलीनोमियल। नेक्स्ट अगर डिग्री 2 हो तो उसके कितने रूट्स होंगे, 2, और वो पॉलीनोमियल क्या कहलाता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिग्री 3 हो तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 3, और वो पॉलीनोमियल क्या कहलाता है बेटा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिग्री क्या हो, 4, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 4, और इस पॉलीनोमियल का नाम क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, मतलब जिसकी डिग्री 5 हो उसके कितने रूट्स होंगे, 5, फिर वो पॉलीनोमियल कहलाता है, मतलब उसका कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं है, वो सारे फिर पॉलीनोमियल कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये क्लियर हो गया, लेक्चर 2 में इतने ही टॉपिक्स थे। ठीक है, चल मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जब तक आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलिए।